हाय, वेलकम टू द रिव्यू विद भावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है संगे मरमर। जी, तो आज हम संगे मरमर की 11th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। अगर आप अभी तक ये ड्रामा नहीं देख रहे तो जल्दी से कुछ थोड़ा सा रिकैप आपके लिए मैं कर देती हूँ। वो ये है कि दो फैमिलीज हैं, गुलिस्तान खान की फैमिली है और सैफुर रहमान की फैमिली है। बीच में कत्ल हुआ है, जो गुलिस्तान खान के बेटे का कत्ल हुआ है, गौहर का, और उसके बदले में सैफुर रहमान ने एक पैक्ट ये कर लिया है, उसकी बीवी ने इनफैक्ट ये पैक्ट करवाया है कि उसकी बहन यानी सैफुर रहमान की बहन को तावान में दिया जाएगा, यानी फैसले में सॉर्ट ऑफ उनकी बहन को दिया जाएगा एज वाइफ टू वन ऑफ गुलिस्तान खान सन। उनकी शादी सफीउल्लाह से हो रही है, जो गुलिस्तान खान के बड़े बेटे हैं। उनकी ऑलरेडी एक बीवी है जिसका नाम गुललाय है। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, प्ले का पेस बहुत अच्छा है। जी, तो सीन इस एपिसोड में इस तरह ओपन होता है कि एक कपड़ा बेचने वाली सैफुर रहमान के घर आती है, उसमें शीरीन सामने आती है और वो बताती है कि मेरी शादी होने वाली है। तो वो हॉ हाय करके कहती है कि आजकल के जमाने में क्या जमाना आ गया कि आजकल की लड़कियां खुद ही बताती हैं कि उनकी शादी होने वाली है, कयामत की निशानी है ये तो। और फिर सैफुर रहमान की बीवी कहती है कि हाँ हाँ, ये तो पढ़ाई लिखाई ने इन लड़कियों को बेगैरत और बेशरम बना दिया है। सो अगेन, दीज आर वेरी रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट्स के पढ़ाई लिखाई से लड़कियां बेशरम हो जाती हैं और अगर वो अपने हक की बात करती तो उनको बेगैरत और बेशरम करार दे दिया जाता है। एक चीज जो बड़ी अजीब सी होती है वो इस प्ले में ये होती है कि अचानक से सीन कट होके फ्लैशबैक में चला जाता है या ड्रीम सीक्वेंस में चला जाता है और पता नहीं चलता। सिर्फ मुझे तो नुमान एजाज के काले बालों से अंदाजा होता है, या जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्क्रीन पे तो अंदाजा होता है कि अच्छा, ये कोई फ्लैशबैक वाला सीन चल रहा है, वरना इसके अलावा कोई थोड़ा सा उसको सीपीआर टोन कर दें या उसको कोई ब्लैक एंड व्हाइट कर दें या कुछ थोड़ा सा करें ताकि अंदाजा हो, क्योंकि इट गेट्स अ लिटिल बिट वियर्ड। फिर ये होता है कि वो जो निकाह पढ़ाने वाला एक पूरा जो सीन आता है विच इज वेरी इंटेंस, उसमें हमने देखा है कि शफीउल्लाह जो है वो बैठा हुआ है और वो गुस्से में है, एंड ही डजंट लाइक द होल फैक्ट कि उसकी शादी इस लड़की से हो रही है। वो वहां से जाने की बात करता है लेकिन औरंग उसको कहता है कि आप बैठो, आप इस तरह बेइज्जत करके नहीं जाओ, लड़की को साथ लेके जाओ वगैरह वगैरह। एंड दैट समथिंग दैट शोज द डिफरेंस ऑफ नेचर अगेन बिटवीन द टू ब्रदर्स। और उसमें वो एक और डायलॉग बोलता है कि अगर मैं थोड़ी देर यहाँ और रुका तो मैं इसकी शक्ल देखता रहूंगा जिसने मेरे भाई को मारा, मैं इसका कत्ल कर दूंगा। और फिर लोग औरतों को इमोशनल बोलते हैं, मतलब एक्सक्यूज नहीं, आप लोग तो कतल वतल करके आ जाते हैं तब भी आप लोग को नहीं लगता कि आप लोग ज्यादा इमोशनल है। प्लीज, सो डोंट गिव मी दिस लॉजिक कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज वो इमोशनल बहुत होती हैं। आप लोगों ने ज्यादा गंद मचाया है मर्द हजरात। फिर हम ये देखते हैं कि सानिया सईद जो है, जब वो शीरी को देखती है और वो ये रियलाइज करती है कि ये उस फैसले में आने वाली लड़की है, अचानक से उसका सामना होता है, तो दिस अमेजिंग सीन, दिस स्लो ड्रॉन आउट एक्सप्रेशन दैट सानिया सईद हैज, जो कि एक रेज उससे और एक रिजेंटमेंट का एक जो एक्सप्रेशन है जो उनके चेहरे पे आता है, इट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम दैट एक्सप्रेशन। अगर किसी को एक्टिंग क्लासेस लेनी है तो आप वो सीन देख सकते हैं कि कैसे एक रंग आता है और दूसरा रंग जाता है, और एक माँ का जो वो एक एक्सप्रेशन और वो जो दुख अपने चेहरे पे लाती हैं। साथ ही साथ उनकी जो पर्सनल ट्रेट्स हैं वो बहुत काइंडनेस वाली हैं, तो जाहिर है वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिस्पॉन्ड तो नहीं कर सकती, लेकिन वो जो एक हेल्पलेसनेस प्लस रेज प्लस रिजेंटमेंट वो जो सारी उनके चेहरे पे आती है, इट्स माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। छोटी सी ह्यूमैनिटी का जो लेसन हैं, जो अगर हम लोग अपने अंदर लेकर आए तो उससे रिलेशनशिप्स की डायनामिक्स कितनी बदल जाती हैं। सानिया सईद एक ऐसी औरत है जिसने अपना बेटा खोया है, गुलाला एक ऐसी औरत है जिसने जो अपने हस्बैंड के लिए दूसरी बीवी लेकर आ रही है, तो ऑब्वियसली दिस आर वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस। लेकिन वो एम्पथी या वो एक फीलिंग ये भी तो है कि जो बच्ची आ रही है, ये जो लड़की के घर में आई है, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो एक फैसले की बलि चढ़ के आई है यहाँ पे। तो उनकी जो ह्यूमैनिटी है या जो उनके अंदर जो कनेक्शन हमने देखा है, दैट्स रियली रियली फुलफिलिंग टू सी, एंड दैट्स रियली हार्ट वार्मिंग एट द सेम टाइम डिप्रेसिंग। सो एक इसकी एक अपनी इथॉस है इस एपिसोड की, एक अपना पावर है इस एपिसोड का, एंड दैट्स व्हाई आई रियली लव द राइटिंग एंड आई रियली लव द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस प्ले। अपने फीडबैक को मुझे बताइए कॉमेंट्स में, और आप मेरे रिव्यू सुन सकते हैं पटारी पे भी। Take care of yourself. Thank you for watching. Have a nice day.